ओके ओके गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एवरीवन दिस दशन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे और आज हम है क्वेश्चन आरे डिस्कशन ऑफ वाइंडिंग अप चैप्टर के ऊपर ठीक है जितने भी क्वेश्चन है और डिस्कशंस हमारे बाकी है वो अभी हम कंप्लीट कर लेंगे जिसमें मेन है वाइंडिंग अप चैप्टर दूसरा है दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर उसके बाद में हम लेंगे uh, सेबी सिकरा आ, ये चैप्टर हमको कंप्लीट करना है ये चार तो प्रायोरिटी है फिर उसके बाद में छोटे छोटे चैप्टर्स बचते हैं उसको हम एंड एंड में देखेंगे ठीक है सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ वाइंडिंग अप चैप्टर के साथ में ठीक है सेक्शन नंबर है टू सेवेंटी से लेकर सेक्शन नंबर थ्री सिक्सटी फाइव तक और उसमें से हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन से आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से जाइए पेज नंबर के हिसाब से ना जाइए अगर आप पेज नंबर के हिसाब से आते हो तो आपको कंफ्यूजन uh, होगा नॉर्मली मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर के हिसाब से ही आपको समझाना है ठीक है ये चीज़ को याद रखना पहला सवाल मैं पढ़ता हूं आ जाइए बिना समय बी डी ऑफ दीज टू कैरी ऑन टू ऑफ बिजनेस स्टार्टेड एज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एक्सप्लेन वेदर दैन वाउंड अ ग्राउंड ऑफ द सबसे पहली सबसे पहला और अजीब सवाल है वॉट डू एक्सैक्टली मीन बाय सबस्ट्रेटम

Essence, अब सबस्ट्रेटम का मतलब आप इस एंगल में भी एक ले सकते हो कि जैसे एक जीने की वजह चली गई कंपनी के लिए उसकी जीने की वजह होती है उसका ऑब्जेक्ट लॉस अब यहां पे उन्होंने बोला है दस में से दो ऑब्जेक्ट बैन हुए हैं पूरे दस के दस बैन नहीं हुए हैं दस में से दो ऑब्जेक्ट बैन हुए हैं वहां सबस्ट्रेटम लॉस हुआ है अब अगर दस में से दो ऑब्जेक्ट बैन होकर सबस्ट्रेटम लॉस हुआ है तो मैं उसको सबस्ट्रेटम लॉस नहीं कह सकता आई सकताइज क्योंकि बचे हुए आठ ऑब्जेक्ट तो आप कैरी कर सकते हो ऐसा तो नहीं है कि बच्चों आठ ऑब्जेक्ट भी आप कैरी नहीं कर सकते बच्चों आठ ऑब्जेक्ट तो तो आपके पास करने का कभी भी चांस है तो मेरे हिसाब से यहां यह है कि इट इज नॉट अ लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम तो नीचे आंसर में क्या देखते हैं पहले इसको समझते हैं डिटरमिनेशन ऑफ लॉस ऑफ सबस्टम पहले तो लॉस ऑफ सबस्टम मतलब सच में जीने की वजह खत्म हुई है क्या क्या दस में से दो बिजनेस बंद कर देना क्या जीने की वजह खत्म होने लायक है कंपनी के लिए उट ऑफ दिजनेसम ऑफ भी सेव गॉन सिंस अदर बिजनेसफुल मेमोरेंडम तो यहां लॉस ऑफ सबस्टाइटम तो है भी नहीं अब देखो इसके अंदर दो सवाल थे दो सवाल आपने समझना बहुत जरूरी है इसमें दो रीजन है वाइंड के पहला रीजन क्या टू आउट ऑफ टेन बिजनेस बंद होना पहला सवाल तो ये है टू आउट ऑफ टेन बिजनेस बंद होना टू आउट ऑफ टेन बिजनेस बैन हो जाना क्या इसके इसको हम लॉस ऑफ सबस्टम कह सकते हैं क्या हम इसको लॉस ऑफ सबस्टेटम कह सकते हैं पहला सवाल ये ठीक है और दूसरा सवाल ये था क्या लॉस ऑफ सबस्टेटम अगर है Loss of अगर है, तो क्या हम अप करना loss of is present, तो क्या winding up कर सकते हैं? क्या हम अप कर सकते हैं वेदर इज एक्सेप्टेबल क्या लॉस ऑफ अप का रीजन हो सकता है हमने अप के रीजन देखे हैं रीजन फॉर अप सेक्शन नंबर 271 में हमने अलग अलग रीजन देखे थे वाइंडिंगअप के, के भैया Uh, ने किया fraud हुआ है promotion, formation of company में में के integrity, sovereignty के खिलाफ ऐसे सात आठ हमने देखे थे दे। और basically उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा था कि में बहुत बेसिक करके ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं किया था बट फिर भी एक बार में आपको वाइंडिंग ओके उस सिचुएशन के ऊपर लेके जाना चाहूंगा आ जाइए खुल जा सिम सिम अब देखो ये है रीजन फॉर वाइंडिंग अप स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर ने पास किया है यहां पे नहीं एक्टेड अगेंस्ट इंडिया है नहीं एनसीएलटी ने ऑर्डर किया है वाइंडिंग अप एनसीएलटी का ओपिनियन है कि कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है डिफॉल्टिंग फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न्स और एनसीएल सुमोटो अब अगर आप देखो तो इसमें से कोई भी रीजन बुकिश रीजन इसमें से ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि यहाँ पे अप करना चाहिए कोई भी बुक में ऐसा रीजन नहीं है कि वाइंडिंग अप करना चाहिए क्या सो so ये क्वेश्चन में जो दो सवाल है कि भैया पहला तो क्या दो में से दो दस में से दो बिजनेस बंद करना क्या लॉस ऑफ सबस्टम है तो आई विल से नो इट इज नॉट अ लॉस ऑफ सबस्टम ये नहीं है दो बिजनेस दस के दस बंद करना माइट बी लॉस लॉस ऑफ 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 बिजनेस करनाटम हो सकता है दस के दस जीने की वजह ही खत्म हो जाएगी अगर आपके दस बिजनेस बंद हो जाएंगे तो लेकिन दो बिजनेस दस में से बंद करना इज नॉट अ लॉस ऑफ सबस्टाटम दूसरी बात क्या लॉस ऑफ सबस्टम की वजह से वाइंडिंग अप करना जरूरी है तो बेसिकली अगर आप मुझे पूछो लॉजिकली मतलब ये एक्चुअली कहीं दिया नहीं है पर अगर आप लॉजिकली मुझे पूछो तो इसके दो आंसर दे सकता हूं मतलब लॉजिकली मेरे हिसाब से एक ही आंसर आपको दे सकता दो मतलब भी नहीं माय मिस्टेक लॉस ऑफ सबस्टम इज नॉट अ रीजन फॉर अप इट इज नॉट अ रीजन फॉर वाइंडिंग अप में रीजन नॉर्मली कवरअप नहीं किया जाता बट लॉजिक के के हिसाब से अगर आपके बिजनेस बंद हो गए आपको बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा तो मेरे हिसाब से वाइंडिंग अप अलाउ करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है अब बेसिकली uh, अगर आप और बुक्स को डिटेल में देखोगे तो देर आर फ्यू थिंग्स माइट भी हमारे भी बुक में ये हो सकता है देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको ये इशारा करेंगे कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना क्लियर है कंसेप्ट तो आप चाहो तो इसको लिख के रख सकते हो तो यही आपके काम में आएगा गो फॉर इट फर्स्ट

पर अगर आप डीप डाउन सोचो मैंने भी आंसर मॉड्यूल दिखा के ही आपको दिखाया है, ऐसे मैंने मेरा मन से बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगाया है जो मॉड्यूल में था वही कंटेंट में आपको दिए है चलो जाते हैं दूसरे सवाल पे। uh, 14 का सवाल है सुपर लिमिटेड इक्विटी शेयर ऑफ रूपीज टेन करोड़ ऑफ विच ऑफ टेन इंच द शेयर इशू दस करोड़ में से नौ पॉइंट पांच करोड़ का हो गया The shares of the company were accepted for the listing by Bombay Stock Exchange, but subsequently the permission was cancelled on a certain ground on a appeal to a central government by a company.

या माइट बी कंपनी अगर लिस्टिंग uh, के भरोसे भी कंपनी का या पब्लिक इशू के भरोसे भी कंपनी का अगर पूरा बिजनेस डिपेंड करता होगा तो हम इसको ऑब्वियसली कह सकते हैं कि दिस इज लॉस ऑफ सबसाइडम क्योंकि लिस्टिंग हुआ ही नहीं और पब्लिक इशू हुआ ही नहीं

कंपनी सिर्फ इसलिए पिटिशन करे कि कंपनी इज नॉट सक्सेसफुल एज अ थर्ड पार्टी या एज अ सब यू कैन से स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी तो बात थोड़ी सी बन सकती है पर वो सू ऑर्डर तो रहेगा एनसीएलटी का कि वाइंड अप करना है या नहीं क्रेडिट उसको वाइंड अप करवा नहीं सकता वो सिर्फ अप्लाई कर सकता है क्लियर है सबको हाँ ना

प्रोवाइडेड एनसीएलटी में ऑर्डर दंडी कप ऑफ द कंपनी इनकेस ऑफ कमर्शियल इंसॉलवेंसी एंड आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन कि भैया लाइबिलिटीज वगैरह कितने हैं और क्या वो पे किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते ये यहां पर मैंशन किया करके रखा है देयर आर नो चांस फॉर द सस्टेनमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्शन सो शेयर होल्डर्स ने जो ऑब्जेक्शन उठाया वो सस्टेन नहीं हो सकता डेक्कन लिमिटेड वर्सेज वेला भाई लक्ष्मी दास बल अब ये मैंने ओरिजिनल लेक्चर्स के अंदर डिस्कस नहीं किया है uh, कोई भी केस आप अगर देखो तो वाइंडिंग अप में क्योंकि वाइंडिंग अप चैप्टर ही इतना बड़ा था कि अगर मैं इसमें केसेस वगैरह इन्वॉल्व करता पांच से दस मार्क के लिए अगर इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने इतने सारे सेक्शन पढ़ने उसमें भी केसेस के साथ तो हमारा जो ऑलरेडी पचपन कंटेंट लेक्चर फिफ्टी फाइव कंटेंट लेक्चर वो स्ट्रेच हो जाते थे तो मैंने जहां जहां पर इंपॉर्टेंट केसेस मेरे को लगता है जो इंस्टीट्यूट ने दिया

दो आर रिगार्डिंग लिक्विडेटर वाले एरिया वगैरह सेवेंटी फाइव अपॉइंट सेवेंटी सिक्स उस सेक्शन को एड कर रहा हूं जो थोड़ा सा रिलेवेंट है क्लियर है इस चीज को याद रखना <coughs> का सवाल है अब देख सकते हो वाइंडिंग अप इतना बड़ा चैप्टर है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाइंडिंग अप के ऊपर बहुत कम है हार्डली कुछ तेरह चौदह क्वेश्चन ही है वाइंडिंग अप के ऊपर सॉरी पंद्रह सोलह सोलह सत्रह ही क्वेश्चन है वाइंडिंग अप के ऊपर आप देखोगे आपको समझ में आएगा मतलब इतना चैप्टर इतने पुराने जमाने से चलते आ रहा है बट क्वेश्चन ज्यादा नहीं है दैट दट मीनू इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पूछता बट पढ़ा हुआ अच्छा है एलईडी बल्ब लिमिटेड हैज मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग अशियल स्टेटमेंट एंड एन्य रिटर्न कंटिन्यूस पीरियड क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर पीरियड ऑफ फोर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन The registrar of ऑफ approach, approach a a company टू सेंट्रल above grounds 272 of the Companies Act. Annual accounts or financial statements चार साल तक के फाइल नहीं किए हमें कम से कम पांच साल चाहिए ठीक है हमने अभी अभी reasons पढ़े 271 सेवेंटी हमें पांच साल चाहिए uh,

देखो कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग रजिस्ट्रार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फॉर फाइव इसके अंदर बोला है कि कौन कौन पिटिशन करने के लिए एलिजिबल uh, है तो ऐसे सिचुएशन में वहां मेंशन किया है

ठीक है सो यहां लिख सकते हो ओनली फोर इयर्स डिफॉल्ट जिस वजह से ये नहीं एक और साल रुकिए उस केस में आप वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है हाँ डॉर्मनसी के लिए क्या आप अप्लाई कर सकते हो यस yes, क्योंकि डॉर्मनसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दो साल तक अगर कंपनी में इनएक्टिविटी रहा कोई भी बिजनेस नहीं किया तो 455 में आप उसको डॉर्मेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो पर वो अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं किया यहां ये भी नहीं बोला बिजनेस एक्टिविटी नहीं किया यहां सिर्फ इतना बोला एनुअल रिटर्न एनुअल अकाउंट फाइल नहीं किया तो डॉर्मनसी भी थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाएगा क्लियर है आंसर चीज को आपने याद रखना तो ट्रिब्यूनल ने नाइनटी डेज में बोलना चाहिए कि जो आरोसी का पिटिशन है वो सही नहीं है क्लियर आंसर चलो क्वेश्चन नंबर फोर नवंबर नाइनटीन का ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड फ्लड ऑल द फिक्स ऑफ द कंपनी बियॉन्ड रिनोवेशन और पेयर कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ दॉज ह्यूज एंड इंश्योर्ड ऑन ऑल्स को कवर भी नहीं कर रहा है टोटली अट मतलब, totally तो गायबी हो गया ऐसा बोल सकते हो द ऑपरेशन ऑफ कंपनी वी आर परमानेंटली डिस्कंटिन्यूड मीन वाइल बेस्ड ऑनडिंगअप्ड बायटर द हाईकोर्ट फास्ट वाइंडिंगअप ऑर्डर द वर्कर्स ऑफ द कंपनी

their appeal would be heard uh, for the winding up proceedings examined under the provision of companies act whether it is a loss of substratum सवाल तो है क्या इसको हम लॉस ऑफ सब मान सकते हैं जितने सूट्स वगैरह प्रोसीडिंग टू 279 के अंदर क्या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ठीक है चेके? तो अब 279 थोड़ा सा बड़ा एरिया है तो मैं चाहूंगा आप इसको एक बार खुद रीड कीजिए फिर मैं आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि केस किस डायरेक्शन में लेके जाना है क्योंकि केस थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पहले ही स्टार मार्क करके रख देना केस थोड़ा सा मुश्किल है इंपॉर्टेंट है कतई इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है काफी अच्छा केस है गो फॉर इट फास्ट Hello, hello. आपका रीड करना हो गया होगा तो अब जरा मैं इसके डिस्कशन के ऊपर आता हूं। बड़े अच्छे तरीके किया है कि कंपनी का अप नहीं होना चाहिए पहले जैसे मैंने बोला क्रिएटर्स ने पिटिशन वाइंडिंग नाउ जब क्रिएटर्स ने पिटिशन के लिए, लिए तो ट्रिब्यूनल डिस्क, है कि वो इनको क्रिएटर्स

तो अगर वर्कमैन भी इस पिटिशन को डिफेंड करे पिटिशन को अपोज करे फिर भी पावर ट्रिब्यूनल के हाथ में ही रहेगा कि ये वाइंडअप ऑर्डर करना है यानी मतलब कैरिटर पिटिशन करे तो भी ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि इसको वाइंडअप करना है यानी और वर्कमैन अपोज करे तो भी ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि अप करना है यानी तो अल्टीमेटली दोनों जो कर रहे हैं उससे ट्रिब्यूनल कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा उसको वाइंड अप करना है यानी हाँ, इसमें पॉइंट सिर्फ एक रहेगा कि जब भी हम वाइंडिंग अप का पेमेंट करते हैं तो वर्कमैन का इंटरेस्ट सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाता है सिक्योर्ड क्रेटर के साथ वो हम जरूर यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि वर्कमैन इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड इफ द एनसीएलटी ऑर्डर्स द वाइंडिंग अप तो उसी तरीके से मैंने नीचे आंसर दिया है आप आंसर में देख सकते हो

तो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया पर वर्कमैन की अपील ट्रिब्यूनल हैंडल मतलब ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट करना चाहिए क्या तो वर्कमैन ने तो अपील किया ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल वर्कमैन को ये लीव दे सकता है या नहीं दे सकता है? लीव का मतलब ट्रिब्यूनल वर्कमैन को अपील का फैसिलिटी देगा या नहीं देगा डिपेंड है क्लियर कंसेप्ट सब है पर हां ट्रिब्यूनल का ट्रिब्यूनल ये मेंशन कर सकता है कि वर्क कुछ भी हो वर्कमैन का हम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखेंगे ये चीज बहुत जरूरी है क्लियर है कंसेप्ट चीज को आपने याद रखना यही इसका आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय अ कोर्ट विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट हु इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड फाइल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड वेदर दिन पहली बात पूरे कंपनी का मैनेजमेंट आता है लिक्वेटर के पास तो यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हर एक चीज ये नॉर्मली फाइल करता है पर ये कौन से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल रहे हैं क्या ये सेक्शन टू सेवेंटी फोर के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल रहे हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रहे है? तो इन्होंने स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन किया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऐसे तो मैं इसको 274 में ही घसीटूंगा मैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सेंस में नहीं लूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के बनाकर मेंटेन करके ही फाइल करता है इसके लिए हमने हमारे लेक्चर में देखा था कि लिक्वेटर कितने टाइप की चीजें फाइल करता है चार पांच टाइप की चीजें चार पांच सेक्शन मैंने एक ही चार्ट में आपको मेंशन किए थे वो यहां पर अपलीकेबल नहीं है यहां 274 लगेगा स्टेटमेंट ऑफ ये तब हम देते हैं जब एनसीएल आपको पूछता है अप करना है या नहीं करना है कंपनी की हालत क्या है बताओ तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइल करते हैं ठीक तो है? तो आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ एस ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया ट्रिब्यूनल में फर्दर अलाउ पीरियड कितने डेज का थर्टी डेज का एक्सटेंडेड नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ दिनों में फाइल करनी चाहिए थर्टी डेज में कंपनी ने पर फर्दर थर्टी डेज आपको मिल सकते हैं। पिटिशनर uh, को ट्रिब्यूनल

फॉर नॉलेज रेफरेंस एक्सप्लेन नॉलेज पर्पज के लिए मैंने देखे रखा है ये एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनी दो हजार तेरह रिलेटिंग टू प्रेप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एयर रिपीट क्वेश्चन है कितना डिले अलाउ किया जा सकता है सिमिलर सवाल टू सेवेंटी फोर का आप चाहो तो एक बार इसको रीड कर सकते हो फिर आगे बढ़ेंगे गो फर इट फास्ट क्योंकि सेकंड टाइम रिपीट हुआ एक बार रीड कर लो यही पढ़ाई हो जाएगी

इन लास्ट वन ईयर इज कॉन्ट्रीब्यूटरी ठीक है पिछले एक साल में वर्ल्ड के पहले जो मेंबर था वो कॉन्ट्रीब्यूटरी पर उसमें भी दो पार्ट में डिवाइड करना अगर कोई फुल्ली पेड मेंबर है फुल्ली पेडअप शेयर होल्ड कर रहा है कोई मेंबर तो उसको हम पेबल कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं मांगते ही इज अ नॉन पेइंग कॉन्ट्रीब्यूटरी इसकी तरफ से कोई पेमेंट नहीं आएगा पार्टली पेड़ शेयर का कोई है पार्टली पेड़ शेयर का कोई है बंदा तो उसको हम पेबल कॉन्ट्रीब्यूटरी मानते हैं अप टू द अमाउंट अनपेड जितना उतना अमाउंट अनपेड अनपेड रखा है उतना सेकंड। तो ये चीज का रखना पिछले एक साल का ही कॉन्ट्रीब्यूटरी बनेगा जो अनपेड शेयर होल्डर है क्लियर है दूसरी बात मतलब एक ये रूल हो गया दूसरा मतलब ये बोल सकते हो पिछले एक साल का ए और ये रूल नंबर बी कि वो अनपेड होना चाहिए अनपेड शेयर पार्टली पेड़ शेयर होल्ड दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूटर इज लाइबल फॉर लाइबिलिटीज ड्यूरिंग हिस पीरियड वो सिर्फ उसके पीरियड के लाइबिलिटीज के लिए लाइबल है बाकी लाइब्रेटीज के लिए वो लाइबल नहीं है ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है आप चाहो तो इसको लिख सकते हो और वही चीज मैंने साइड में मेंशन करके रखी है ठीक है लिख लो इसको चाहिए तो, एक मिनट में डन ओके अब देखिए साइड में मैंने वही चीज मेंशन में जिसका लिखना रहेगा वो पॉज करके लिख सकता है बेटा नॉर्मली हम लिखने में ज्यादा समय देंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं पहले तो मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या है ठीक है तो पहले मैं समझा टू कॉन्ट्रीब्यूट एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंड जो कंपनी के में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वाइंडग के इवेंट में वो कॉन्ट्रीब्यूटरी है फुल्ली पेड शेयर वाला कोई पर्सन अगर है आ, उसे हम कॉन्ट्रीब्यूटरी बोल सकते हैं बट नो लाइबिलिटीज रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ कोई लाइबिलिटी नहीं है

केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाई शेयर नो कॉन्ट्रीब्यूशन शॉल बी रिक्वाड फ्रॉम द पर्सन हुई है अमाउंट इफ एनी अनपेड उतने ही अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखो क्या बोला है इन द केस ऑफ कंपनी नो कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीडिंग द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर अनपेड अमाउंट जो शेयर के ऊपर उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकते हो उससे ज्यादा नहीं इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड द गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना गारंटी दिया है उतने ही अमाउंट को आप पे करने के लिए लाइबल हो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग के कुछ रूल्स है सो so, मैं ये एक और रूल ऐड कर दू अमाउंट ड्यू ड्यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी आप लिख के रखिए साथ साथ में इज मैक्सिमम अप टू अनपेड शेयर अनपेड अमाउंट ऑन शेयर और गारंटी क्लियर है बच्चों सबको ये चीज को याद रखना अगला नवंबर 19 मेसर्स आई जे के लिमिटेड वाज नवंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 8 आईजेके लिमिटेड वाज वाउंड अप विथ इफेक्ट फ्रॉम 15th मार्च 2018 बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मिस्टर ए हु वाज सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द 1st जून 2017 हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम अ लिक्विडेटर हु सीज टू बी अ मेंबर ठीक है, फिफ्टीन कब uh, हुई है मार्च मार्च मतलब uh, 16th 2017 से जो है, वो रहेगा हालांकि एक जून 2017 को सीज हो गया मतलब मिस्टर कब था? मेंबर uh, कब था कौ? पिछले एक साल में फिफ्टी ऑफ मार्च 2017 से एक जून दो हजार तक ढाई तक वह नहीं मार्च अप्रैल मे हाँ ढाई महीना वो मेंबर था यू कैन सी दैट क्लियर he has received the notice from the liquidator that he should deposit a sum of rupees 5000 as his contribution towards liability of the shareholders previously held by him in this context explain whether mr a can be called as a contributory whether he be made liable and whether there is any limitation on his liability same rule same rule kya wo liable ho sakta hai ha mr a liable ho sakta hai उस वक्त उसके वक्त जो एक्सिस्टिंग लाइब्रेटी थी सिर्फ उसके लिए वो लाइबल हो सकता है अनपेड अमाउंट जितने उसके शेयर के ऊपर अनपेड अमाउंट बची थी उसके लिए लाइबल हो सकता है उससे ज्यादा वो काय किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा ये चीज को आपने यहां पे समझना है कंसेप्ट समझ में तो वही आंसर यहां पे दिया हुआ होगा लास्ट वाला आंसर मैंने पढ़ा ये आप एक बार रीड कर लीजिए आपको इमीडिएटली आंसर समझ में आ जाएगा गो फॉर इट फास्ट डन आई गेस हर एक बंदे ने रीड कर लिया होगा अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट हम जा रहे हैं अभी थर्ड पार्ट के ऊपर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो है ओवर एडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट सेक्शन नंबर थ्री ट्वेंटी सिक्स यहां से कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू होगा अगर आपको वाइंडिंग अप की पेमेंट की हैरार की अगर आपको याद होगी तो आपको इमीडिएटली ये कैलकुलेशन समझ में आएगा अगर आपको याद नहीं है तो ये तकलीफदायक हो सकता है ठीक है तो आप जाइए थ्री ट्वेंटी सिक्स थ्री ट्वेंटी सेवन जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया था ऑलरेडी एक बहुत अच्छा चार्ट मैंने बना के दिया था ट्वेंटी सेवन का तो प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिए देन यू विल कम टू नो कि करना क्या है ठीक है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आ जाइए

प्रिफरेंशियल पेमेंट थ्री ट्वेंटी सेवन में जिसमें है सबसे पहले ड्यूज दैट इज गवर्नमेंट ड्यूज वो भी लास्ट ट्वेल्व मंथ्स के बिलोंगिंग ड्यूज असिस्ट वाले नहीं फिर आते हैं एम्प्लॉय ड्यूज एम्प्लॉय ड्यूज हम लेते हैं लास्ट ट्वेल्व मंथ्स के उसमें से भी फोर मंथ्स के यहाँ पे बचे हुए पूरे के पूरे नीचे अनसिक्योर्ड क्रिएटर के अंदर जाते हैं उसमें भी हम पर मंथ पर फोर मंथ्स का ड्यूज एक्सेप्ट करते हैं वो भी पर एम्प्लॉय मैक्सिमम बीस हजार रुपए तक के ये भी चीज़ आपने देखी होगी फिर हम लेते हैं थर्ड uh, वाला ट इजी एफ ग्रेट आई बोनस वगैरह वो हंड्रेड परसेंट और फिर हम लेते हैं फिर उसके बाद में आता है वो प्रिफरें फिर, फिर आता है, है इक्विटी शेयर उसके हिसाब से हमको यहाँ पे कैलकुलेश करना है इनवाइटेड क्लेम फ्रॉम इट्स क्रिएटर्स विच टूड एज अंडर इनकम टैक्स ड्यूज ग्यारह लाख के है सेल्स टैक्स ड्यूज पांच लाख के है टोटल सोलह लाख के ड्यूज वर्कर के ठीक है ठेके? उसके बाद पेबल ये पच्चीस लाख का है ट्रेड रॉ मटेरियल पंद्रह लाख का है जो काम में आएगा सबसे पहले ड्यूज ऑफ द वर्कर प्रायोरिटी पेमेंट में ठीक है उसके बाद अ बैंकर ऑफ सेवेंटी फाइव लैक्स ये मेरे काम का है टोटल एक लाख एक करोड़ छप्पन लाख के ड्यूज है ठीक है अब सवाल है कंपनी लिक्वेटर कुड रियलाइज ओनली 80 लाख सिर्फ 80 लाख मिले हैं अब स्ट्रेट अवे बात है सिक्योर्ड क्रेडिटर 75 फाइव के और वर्कमैन ड्यूज 25 लाख के तो सिंपल सी बात है अस्सी लाख अगर मिले तो कैलकुलेशन सीधा आंखों के सामने है विच इज नॉट सफिशियंट टू पे ऑल क्रेडिटर्स प्लीज डिसाइड किस तरीके से हम पेमेंट करेंगे साइड में आप कैलकुलेशन लिख सकते हो सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज इनको कितना मिलेगा 25 लाख मल्टीप्लाइड अस्सी लाख और 25 और पचहत्तर टोटल 100 लाख मतलब एक करोड़ 25 प्लस पचहत्तर है पच्चीस लाख वर्कमैन के है और पचहत्तर लाख सिक्योर के प्रोपोर्शनेटली पे करना है ना हमें देखो यहां पे सो so, 25 लाख देखो वर्कमैन के है और सिक्योर करेटर के आप पचहत्तर लाख ले सकते हो मतलब एक करोड़ के ड्यूज जो सिक्योर में ही जाएंगे प्रायोरिटी वन में सो पच्चीस लाख इज अ वर्कमैन ड्यू एटी लाख इज अट रियलाइज फिर टोटल वर्कमैन ड्यूज प्लस सिक्योर्ड ये वर्क, ये वर्कमैन ड्यूज होंगे समझ में आ रहा है अगर हम अल्टीमेटली इसका आंसर देखें तो वही आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से भैया साठ लाख जाने हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर को और बीस लाख जाने हैं वर्कमैन को आपको सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा

बिल्डिंग्स वगैरह एक्सेट्रा द कंपनी ओन्स टू हंड्रेड लैक टू अज क्लेम अमाउंट रियलाइज बाय द सेल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग बी पेड फुल इन टू अस टू वर्कमेंट ड्यूज टू एक्सटेंट ऑफ फिफ्टी लैक्स वर्कमैन ड्यूज पचास लाख के बैंक सिक्योर्ड क्रिएटर मानी जा रही है अज्यूम किया जा रहा है बैंक इज अ सिक्योर्ड क्रिएटर तो यहाँ लिख के रख सकते हो सिक्योर्ड क्रिएटर

टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड जिसमें से फिफ्टी इज अ वर्कमैन ड्यू हंड्रेड इज अट रियलाइज फिफ्टी वर्कमैन ड्यू प्लस ड्यू प्लस क्लियर कंसेप्ट कैल्कुलेशन के हिसाब से जो भी आंसर आएगा प्रायरिटी ऑफ पेमेंट लिख के ठोक देना क्लियर कंसेप्ट सबको हारना जोर से बोला यसना वाक्य देखो वही किया है नीचे आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करना अच्छे तरीके से। the liquidator of the bogus limited, bogus ही नाम है। क्वेश्चन का। लाख। लोन सिक्योर्ड कंपनी सिक्योर्ड बोला मतलब सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है फैक्ट्री सिक्योर्ड लोन है मतलब सिक्योर्ड है सेल ऑफ लैंड इन फुल इन प्रेफरेंस टू अ वर्कमैन ड्यूज जो है 25 लाख के 25 लाख और सिक्योर्ड क्रेडिटर 1 करोड़ का और 50 लाख रुपए मिले हैं प्रपोर्शनेट आपने निकाल लेना आई होप अभी आपको कैलकुलेशन आ रहा है ठीक है जो मैंने कैलकुलेशन सिखाया प्रपोर्शनेट पेमेंट का वो आपको आना चाहिए ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपने रख लेना ठीक है अगले सवाल के ऊपर जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व

क कटेगा तो दोनों में ही बटेगा सब में नहीं बटेगा दोनों में बटेगा दो लाख के टैक्सेस वगैरह कोई लेन देन नहीं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो सिंपल सा हिसाब है भैया यही करवा के रख दू कि भैया सिक्योर्ड क्रेडिटर को बीस लाख मल्टीप्लाइड बाय अट्ठाइस लाख डिवाइडेड बाय बीस प्लस वर्कमैन के पंद्रह ये हो गए सिक्योर्ड क्रेडिटर के वर्कमैन के कितने बच्चों पंद्रह मल्टीप्लाइड बाय अस्सी अट्ठाईस डिवाइडेड बाय बीस प्लस पंद्रह ये हो गए वर्कमैन के जो कैलकुलेशन आएगा प्रेफरेंशियल पेमेंट का मोड लिख के ठोक देने का क्लियर है आंसर एक बार पढ़ लेना अगला भी सवाल नियरली वैसा ही है इसको लिख लीजिए होमवर्क के लिए सेम ही आएगा उसके अंदर कितना पैसा किसको देना है, देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत प्रेफरेंशियल पेमेंट थ्री ट्वेंटी सेवन के ऊपर आए हैं अब ये ठीक है आ जाइए प्रेफरेंशियल पेमेंट शॉल बी पेड इन प्रायरिटी क्लेम्स ऑफ अनसिक्योर्ड क्रिएटर वेजेस अमाउंटिंग टू थर्टी लै थर्टी थाउजेंड रूपी ओनली फॉर एम्प्लॉय फॉर अ सर्विस रेंडर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एट मंथ्स विद इन प्रिसीडिंग ट्वेल्व मंथ्स तीस हजार पर एम्प्लॉय दे रहे हैं तो ये तीस हजार एम्प्लॉय को नहीं जा सकते मैक्सिमम पर एम्प्लॉय अलाउड है ट्वेंटी थाउजेंड पर एम्प्लॉय और यह भी वो आठ महीने के बोल रहे के तीस तो चार महीने के तो भैया पंद्रह हजार ही आने चाहिए तो आंसर ट्रिकी है मैक्सिमम तो महीने के हम ले सकते हैं, करके। अभी भी, लेंगे, या आप, आ, ये भी कर सकते हो, दूसरा कि मैक्सिमम ट्वेंटी थाउजेंड अलाउड है तो हम ट्वेंटी थाउजेंड ही ले रहे रूपीज वन लैक ड्यू टू एम्प्लॉय फ्रॉम प्रोविडेंट फंड ये तो भैया हंड्रेड परसेंट लेना चाहिए कोई दिक्कत नहीं एंड फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम ग्रेचुटी बिल्कुल ट्वेंटी टू कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसिस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर टू एन थ्री सब पे होगा सब प्रपोर्शनेट पे होगा क्लियर है ये चीज को आपने याद रखना तो एक लाख और एक लाख पचास हजार मतलब इसके हिसाब से अगर हम बोले तो कैलकुलेशन देखो क्या आना चाहिए यहाँ मैंने कैलकुलेशन भी दिया होगा जस्ट अच्छी दिस और ना दिया है कैलकुलेशन तो यहाँ सिंपली बोला है कैलकुलेशन तो नहीं दिया प्रोविजन बोले कैलकुलेशन में करके दूंगा फोर मंथ्स के ड्यूज रहे हैं एम्प्लॉयज को नॉट एक्सीड द अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड कितना अमाउंट है ट्वेंटी का वोल ऑफ द वेजेस थर्टी थाउजेंड द अमाउंट वेज फॉर वो ऑफ द वजेस फॉर थर्टी थाउजेंड शाल नॉट अमाउंट टू प्रफेन्शियल पेमेंट वेजेज फॉर फोर मंथ्स विदिन ट्वेल्व मंथ शॉल भी अमाउंट ऑफ प्रफेन्शल पेमेंट जो मैं फिफ्टीन थाउजेंड एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कई बार इक्रीमेंटल सैलरी भी होती है ना बच्चों तो फिफ्टीन थाउजेंड एज्यूम करना जरूरी है एजमशन लिखना जरूरी है। एक लाख के ड्यूज पूरे आ जाएंगे फिफ्टी थाउजेंड के ड्यूज पूरे आ जाएंगे एक्सपेंसिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन बीस हजार के पूरे आ जाएंगे मतलब टोटली अभी मे को कितना देना है तो पंद्रह हजार ये अज्यूम किया हुआ सैलरी दूसरा एक लाख प्लस जीरो पॉइंट फाइव लाख क्लियर है और तीसरा वाला ट्वेंटी थाउजेंड ठीक और उन्होंने कुछ बोला है कि असेट कितनी बची है नहीं तो इन तीनों को प्रोपोर्शनेटली बांट दो व्हाट एवर में बी द असेट डिस्ट्रीब्यूट प्रपोर्शनेटली समझो कहीं चीज को आपने याद रखना अगला सवाल 328 ट्वेंटी एट फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस वॉलेंटरी ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का है आ जाइए का सवाल है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंपनी वॉज फिनेंशियल डिस्ट्रेस दे प्लेज सर्टन इमोबल प्रॉपर्टीज विथ अलाइज बैंक इन द अ पीरियड ऑफ थ्री मंथस सम क्रिएटर्स फाइल अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप

विधर अबाउट कॉन्टेक्ट इज डिस्कस एड फ्रॉड प्रिफरेंस रोको दे प्लेस सर्टन इमुबल प्रॉपर्टीज विथनालाइज बैंक इन दिलीव दैट द लोन लिमिट वुड बी इंक्रीज कुछ प्रॉपर्टी प्लीच किया है लोन लिमिट इंक्रीज करने के लिए क्या इसको फ्रॉडिल्ड प्रिफरेंस कहा जाएगा मेरे हिसाब से तो नहीं क्योंकि बैंक लोन लिमिट ही इंक्रीज करवा रहा है

कीपिंग गुड फेथ विद द बैंक इट कुड गेट फर्दर एडवांस फ्रॉम द बैंक बैंक को फर्दर एडवांस लेने के लिए इन्होंने मॉर्गेज किया है फ्लोटिंग चार्ज का सवाल नहीं है मॉर्गेज किया है

पर डोमिनेंट मोटिव टू गिव प्रेफरेंस नहीं है क्लियर है तो हम इसको फ्रॉडल प्रेफरेंस नहीं मान सकते आप इसका एक बार आंसर पढ़िए मन से पढ़िए काफी काम की चीज है गो फॉर इट फास्ट

प्राइवेट कंपनी इन विच हिस्स इंटरेस्टेडिंग दस मे दो हजार सत्रह को सेल हुआ है पंद्रह अक्टूबर दो हजार सत्रह का पिटिशन है क्या पिछले छह महीने में है यस दिस इज अल्ड प्रेफरेंस ये पकड़ा जाएगा एफ पी दिसा जाएगा

अब सवाल है इसमें कैश मिला क्या कैश लोन मिला क्या तो आई गेस इसे अज्यूम करना पड़ेगा कि ओवरड्राफ्ट कैश में क्रिएट किया है अज्यूम ओडी इन कैश कैश में हमने ओवरड्राफ्ट क्रिएट किया है ये यह यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है

फ्लोटिंग चार्ज के भी प्रोविजन यहां पे मेंशन करके रखे देखिए अच्छा यहां पे फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का सेक्शन 328 मेंशन करना चाहिए था वो नहीं किया शायद आई गेस मेंशन 328 ट्वेंटी एट ऑल्सो यहां लिख के रखिए ये गलत हुआ है मेंशन 328 ट्वेंटी एट सेक्शन भी यहां मेंशन होना चाहिए ट्वेंटी नाइन आपने नहीं भी किया तो भी चल जाएगा बिकॉज स्ट्रेट अवे एंड प्रेफरेंस का केस है तो प्रेफरेंस में आप लिख सकते हो इफ कंपनी हैज ट्रांसफर्ड एनी प्रॉपर्टी एनी गुड्स और सर्विसेस या फिर ये कॉमन रखिए सिंपल ये वाला कॉमन ही रहेगा फ्रॉडल एंड प्रेफरेंस के लिए कीप दिस फॉर फ्रॉडोल एंड प्रेफरेंस ऊपर सिर्फ सेक्शन ऐड कीजिएगा पिछले छह महीने में कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिलीवरी ऑफ द गुड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और पेमेंट अगर आपने किया है तो ये इनवैलिड रहेगा छह महीने में सुपीरियर मोटिव टू तो और डॉमिनेट टू तो सम स्पेसिफिक क्रेडिट जो इसकी प्राइवेट कंपनी थी इसके बेटे की उसने सुपीरियर मोटिव से उसको डोमिनेशन दिया है सो दिस विल बी कसिडर्ड एज इनवैलिड फ्लोटिंग चार्ज पिछले बारह महीने का होना चाहिए वो यहाँ पे मैं करके रखा है ट्वेल्व मंथ्स का फ्लोटिंग चार्ज और फाइव तक का अगर कैश में अगर इंटरेस्ट मिला है तो उसको वैलिड माना जाएगा अब यहाँ आंसर क्या दिया जाएगा Uh, It is assumed that sale was made within a preceding one year before presentation of petition for winding up. Obviously, not assume, ye assume करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें mention करके रखा है, तो ये sentence cut देना। And it is a fraudulent preference, यहाँ पे answer change कर देना। ठीक है? अब 15 अक्टूबर को ending होता है, तो petition obviously उसके पहले आया होगा।

उंट ऑफ ओर फैसिलिटीडीडू दूर ओडी आपने यूटिलाईज नहीं किया है तो जितना बैंक ने अमाउंट दिया है उसके साथ प्लस पांच परसेंट के लिए ये फ्लोटिंग चार्ज वैलिड रहेगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था इसको आप स्टॉर मार्क कीजिए पूछा जा सकता है हा? काफी अच्छा सवाल था पर इसमें फ्रोडिलस का थ्री ट्वेंटी एट में जरूरी है गो फॉर इट फर्स्ट Then, नहीं पढ़ा तो पॉज करके पढ़ लीजिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एम टीपी मार्च टू थाउजेंड एटीन का सवाल है स्काईलाइन लिमिटेड वॉज ऑर्डर टू बी वाइंडिंग अप ऑन कंपलसरलीरवरी टू थाउजेंड एटीन बिफोर ट्रिब्यूनल द ऑफिशियल इक्वेटर टेकन कंट्रोल फॉर द और द अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी हैज नोटिस दैट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज है सर्टन

डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ फ्रॉडुलेंट होगा क्या सवाल पूछा है and of the or इसलिए थ्री थर्टी वन जरूरी है क्योंकि इसी के अंदर राइट और लाइब्रिटीज डिस्कस किए गए हैं क्लियर है आंसर है? तो क्या फ्रॉडुलेंट प्रसा इसके पहले थोड़ी सी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी मैंशन सेक्शन थ्री ट्वेंटी एट मैंक्शन थ्री ट्वेंटी एट स का एंड ऑल्सो प्रूफ इट्स प्रोडोलेंट प्रसाने को यहां पर टेक्स्ट एड करना पड़ेगा यहां मैं ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी डिलीवरी ऑफ द गुड्स प्रोविजन ऑफ सर्विस इन लास्ट सिक्स मंथर टू प्रीफर स्पेसिफिक क्रिएटर तो यहां पर हमको क्लियर है इन्फॉर्मेशन एस टू पेंडिंग लिक्विडेशन ठीक है क्वेश्चन सेवेंटी jkl company limited was gone into winding up the winding up proceeds proceedings have already commenced but the winding up could not be completed within a period of two years those are the ending referring to a provision of the Companies act 2013 answer the following as a company's liquidator of the company what duties you are required to perform in relation to filing of the statement duty a statement file karne ke what would be your answer in the case company questions the government

एवरी year, हर साल बाद मतलब पांच साल तक माइंडिया चला हर साल बाद दो महीने के अंदर आपने ये स्टेटमेंट फाइल करना है प्रोसीडिंग स्टेटमेंट शॉल बी ड्यूली ऑडिट करना चाहिए रजिस्ट्रार एंड शॉल बी द कंपनी ड्यूटीज इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी इन द लिक्विडेशन दिन शॉल फॉरवर्ड कॉपी देयर ऑफ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कंपनी के केस में लिक्विडेशन का कॉपी फाइल करना है स्टेट गवर्नमेंट को देना है अगर स्टेट मेंबर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को देना है अगर दोनों मेंबर है तो कॉन्सिक्वेंस लीगल रिक्वायरमेंट इफ नॉट कंप्लाइड तो कॉन्सिक्वेंस क्या है तो सिंपली बोला गया है फाइव थाउजेंड पर डे का लिक्विडेटर को फाइन लगेगा कंपनी लिक्विडेटर लिक्वेटर विलफुल डिफॉल्ट किया है तो ऐसे सिचुएशन में फॉर कॉजिंग अ स्टेटमेंट रेफर टू इन द सेक्शन ऑडिटेड लाइबल फॉर द पनिशमेंट फॉर इंप्रजनमेंट विच में एक्सटेंड्स टू सिक्स मंथ्स एंड फाइन विच में एक्सटेंड्स टू वन लाख रुपीज और बोथ अगर आपने ऑडिटेड सेटमेंट्स वगैरह को प्रॉपरली फाइलिंग नहीं किया है तो ये आपको पेनॉल्टी लगेगा एटीन नवंबर सिक्सटीन का सवाल है आ जाइए up proceeding हैज been commenced by the court against a Lucky Limited, a non-government company,

गवर्नमेंट कंपनीज में ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों को देखो फिर एक तो सीजी मेंबर का तो तो दोनों को फाइल करो ये बोला है नहीं किया है तो फाइव थाउजेंड रुपीज पर डे का फाइन है ऑडिटेड स्टेटमेंट फाइल नहीं किए तो भैया फाइव थाउजेंड पर डे और छह महीने से लेके एक साल तक की एक लाख छह महीने तक की सजा एक लाख तक का फाइन ये चीज बोली है खत्म हो गया तो यहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है माइंडिंग अगला चैप्टर अपलोड हो जाएगा नियरली अगला चैप्टर में मैनेजरल रेमोनेरेशन लूंगा मैनेजरल रेमोनेशन के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शायद फिर उसके बाद में हम सेबी और सिकरा लेंगे क्लियर है ये हमारे मेन कंटेंट जो हम फिनिश करेंगे ठीक है जो अपलोड हो जाएंगे अगले दो चार दिन के अंदर ही ठीक है ये चीज को आपने याद रखना चलो तो अभी के लिए काफी करते हैव ए नाइस डे गुड डे गॉड ब्लेस यू टेक बच्चों